हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीटी जगत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन के साथ लगाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और प्रश्न के माध्यम से सीखते हैं। सेकेंड है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। थर्ड है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। फोर्थ है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जैसे कि अभी बात करते हैं कि किसी शिक्षक द्वारा अपनी पाठ्यचर्या में या कक्षा के वातावरण को इस अनुकूल बना दिया जाता है कि वह कक्षा में सभी छात्र अपने शिक्षक से प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हों, और यह बच्चों में अधिगम की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाता है। एक शिक्षक की भूमिका तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है तब वह उपयुक्त वातावरण में बच्चे संवाद और प्रश्न पूछने के माध्यम से सीखते हैं। तो आंसर द कैक्टोरिस का अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थोड़े बढ़िया अटैच करने पड़ेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। सेकंड है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। थर्ड है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोनों हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी या सेल्फ में रखे हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सके। फोर्थ है अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त या मुक्त खेल के लिए बाहर निकाला जाए या बाहर लाया जाए। तो जैसे क्वेश्चन रह रहा है कि कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि अधिगम के समय छात्र उचित प्रकार से उस समय अधिक अधिगम करते हैं जब छात्रों को कक्षा के अंदर स्वतंत्र गतिविधि वाले स्थान प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार के स्थानों पर जब छात्र इन सब गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं तो वह अधिगम की प्रक्रिया तीव्र गति से हो जाती है, और इन सभी क्रियाओं के अतिरिक्त यदि विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की साहित्यों को खुली अलमारी में रखकर उपलब्ध कराया जाए तो अधिगम कार्य अधिक महत्वपूर्ण या सुगमता संपन्न किया जा सकता है। तो आंसर द करेक्ट हुआ इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन थोड़े बड़े एडजस्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं। सेकंड है वे कक्षा जिनमें उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। यहाँ पे क्वेश्चन बाकी ऑप्शन नीचे दिए हैं, देखेंगे। वे एक राज्य व राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, थर्ड के अकॉर्डिंग। फोर्थ है वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के चार ऑप्शन दिए हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा के या कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पाठ्य पुस्तक की भूमिका के बारे में पूछा गया है। तो जैसे यहाँ पे बात करते हैं कि कक्षा में पाठ्यपुस्तक की भूमिका अधिगम के संदर्भ में एक उपयुक्त संसाधन के रूप में मानी जाती है, जो कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को सूचना प्रदान करने में और अच्छी भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों की पाठ्यपुस्तक में कहानी व रंगीन चित्र उन्हें आक्रोचकता प्रदान करते हैं, जिससे बच्चे उनसे आकर्षित होकर अधिक तीव्रता से सीखते हैं। तो यहाँ पे आंसर का करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आते हैं वीडियो मिलती रहेंगी। एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत, सेकेंड है
मानवतावादी, ये बाद थर्ड व्यवहारवाद, फोर्थ है रचनावाद। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है नेशनल फ्रेमवर्क के बारे में पूछा जा रहा है, तो 2005 में अपनी समझ प्राप्त करता है या करती है। तो जैसे हम बात करते हैं 2005 या नेशनल फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। रचनावाद एक अवलोकन और वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि बच्चों का अध्ययन में सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। स्पष्ट करता है कि लोग वस्तुओं व पर्यावरण का अनुभव करके और अनुभवों पर प्रतिबिंबित करके दुनिया के संबंध में अपनी समझ और ज्ञान को कैसे बनाते हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर, फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है या समझा जा सकता है यदि, फर्स्ट ऑप्शन है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, सेकंड है वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, थर्ड है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, फोर्थ है वे सभी उपस्थिति में नियमित है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कक्षा में बच्चे प्रेरित समझे जा सकते हैं किस प्रकार से। तो बात करते हैं यहाँ पे कि कक्षा के अंदर छात्रों द्वारा शिक्षकों से विधिवत विषय के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि छात्र नियमित रूप से अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो प्रतीत होता है कि शिक्षक छात्रों को नियमित रूप से अधिगम की गुणवत्ता को या गुणात्मकता को समृद्ध करने हेतु उन्हें प्रेरित करते हैं। तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि वे शिक्षक या फिर शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त अधिक उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, सेकंड नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, थर्ड है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, फोर्थ है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्रियाँ होनी चाहिए। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए सबसे उपयुक्त है। तो बात करेंगे यहाँ पे शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए जो बच्चों के अधिगम में सुधार करने में सबसे उपयुक्त तरीका है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा इसको अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, सेकंड है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, थर्ड है चुप्पी साध रहने के लिए, फोर्थ है शिक्षकों को निर्देश देने में। तो क्वेश्चन बोला कि अनुशासन है जो कि अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस प्रकार से मदद करता है। जैसे कि अभी बात करते हैं कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने में या निगरानी में मदद करता है। जब छात्र अपना स्वयं मूल्यांकन करते हैं तो उससे उन्हें अपनी गलतियां और प्रगति को जानने में मदद मिलती है, इससे सीखने के सर्वश्रेष्ठ मार्ग मिलते हैं। तो आंसर इज करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आनुवंशिकता और वातावरण की या पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं पर्यावरण केवल बच्चे के विकास भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सेकंड है बच्चे के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पहलू अन्य वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, थर्ड है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, फोर्थ है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, इस प्रकार विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पहलू अन्य पर्यावरण से प्रभावित अधिक होते हैं। तो आंसर करेक्ट हो गया हमारे इसके अकॉर्डिंग सेकेंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। फर्स्ट हमने बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, सेकंड है विकास गुणात्मक चरणों में होता है, थर्ड है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, फोर्थ है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो क्वेश्चन बोला जाएगा कि कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है।
तो जैसे कि अभी बात करेंगे कि प्याजे ने रचनावादी मनोविज्ञानी थे, उन्होंने प्रतिपादित किया था कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक सिद्धांत है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास को यह विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। उनके अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है और प्रभावित होता रहता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं और अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि अभी तीनों बातों को सही बताया गया, जो नहीं है वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे विकास गुणात्मक चरणों में होता है। टिक करेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुत्क्रमणीयता, सेकंड है ध्यान केंद्र करने की प्रवृत्ति, फोर्थ है प्रत्यात्मक विचार का विकास, थर्ड है फोर्थ है अहम मान्यता। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति आंसर का करेक्ट होगा यहाँ पे सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फर्स्ट अपने वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। सेकंड है वे अपने शरीर पर निपुणता प्रदान प्राप्त करते हैं। थर्ड है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। फोर्थ है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो क्वेश्चन बोला गया किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह एक को छोड़कर बाकी तीनों यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका, यहाँ ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आंसर भी हमारा नेगेटिव पूछा गया है। तो उसी के कारण कि यह सुखद बिताने का एक सुखद तरीका है, समय बिताने का सुखद तरीका ये हमारा नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पे फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। सेकंड है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। थर्ड है सही जवाब क्या है। फोर्थ है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तो क्वेश्चन बोला कि कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे कि हम बात करते हैं जब अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न को विभिन्न तरीके से हल करने को कहा जाता है तो उन्हें यह गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर या आमंत्रित करता है। तो आंसर का करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, हाथ में चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सेकेंड है सॉरी ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना रैंकिंग। सेकंड है करके सीखना परियोजना विधि सहयोग से सीखना। थर्ड है थीमेटिक इकाइयां नियमित इकाइयां परीक्षण रैंकिंग। फोर्थ है व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना छात्रों को लैब लिंग। जैसे कि अभी क्वेश्चन बोला गया कि कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर हो गया कोई नहीं। तो जैसे कि हम बात करेंगे कि बच्चों द्वारा करके सीखना परियोजना विधि सहयोग से सीखना आदि प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आंसर द करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। फर्स्ट ऑप्शन है जीवन सच्चा शिक्षक है। सेकेंड है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। थर्ड है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। फोर्थ है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन बोला कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो जैसे कि अभी बात करेंगे बच्चों के समाजीकरण के लिए स्कूल एक महत्वपूर्ण संस्था है जहां बच्चे नए विश्व एवं समाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्कूल विभिन्न स्कूल जीवन के विभिन्न पहलुओं के
विषय में शिक्षा प्रदान करता है। अतः स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे और यह बताता है कि शिक्षा स्वयं जीवन ही जीवन है। तो आंसर क्या हुआ है हमारे इसका अकॉर्डिंग, फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। सेकंड है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संयोग का समर्थन किया है। थर्ड है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। फोर्थ है यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में कौन सा निम्नलिखित में से माना जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे बात करते हैं कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। अधिकांश लोग उच्च नैतिकता में विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इस प्रकार से अधिकांश कार्य नैतिक तर्क के अनुसार करते हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे इसका अकॉर्डिंग, फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। सेकंड है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। थर्ड है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। फोर्थ है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि निकटवर्ती विकास क्षेत्र संदर्भित है, संदर्भित के बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं यहाँ पे निकटवर्ती विकास का क्षेत्र उस संदर्भ को संदर्भित करता है कि बच्चे या जिसमें बच्चे संयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करते हैं। इस सिद्धांत को समायोजित मनोवैज्ञानिक लैव वाइगोस के द्वारा विकसित किया गया है। तो आंसर क्या करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा, फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें दोस्तों के साथ में। क्वेश्चन देखते हैं, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। फर्स्ट ऑप्शन है समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। सेकंड है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। थर्ड है मैं आमतौर पर माने गए पुरुष व स्त्री गुणों का समायोजन कर होता है। फोर्थ है मैं दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। तो यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। इसके बात करती हैं कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो आंसर करेक्ट हुआ इसका अकॉर्डिंग हमारा, थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्यूशन, सेकंड है मीडिया, थर्ड है सामाजिकरण, फोर्थ है संस्कृति। तो क्वेश्चन बोला है कि बच्चे को छोड़कर अन्य सभी लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो जैसे कि अभी बात करते हैं कि बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी मीडिया सामाजिकरण और संस्कृति के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट हो जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि मीडिया में भी लिंग भूमिका का निर्वहन होता है कि स्त्री पुरुष, और समाजीकरण में तो होता ही है स्त्री पुरुष का, और संस्कृत में भी होता है। तो ट्यूशन में नहीं होता है कि स्त्री पुरुष का, तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ट्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानवीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि फर्स्ट ऑप्शन में बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। सेकंड है वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती हैं। थर्ड है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। फोर्थ है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन बोला कि मानवीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक है कि कौन सा है, बात करेंगे यहाँ पे। मानवीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि मुझे या वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा, सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है कि फर्स्ट ऑप्शन है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। सेकंड है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। फोर्थ है, सॉरी थर्ड है
बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। फोर्थ है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एका अधि बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है या कहता है कि, तो बात करते हैं अभी कि गार्डन के बहु प्रतिभा सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं या बुद्धि होती हैं। किसी में 2 या अधिक प्रधान या मुख्य प्रतिभा बुद्धि हो सकती है। वही कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें 7 प्रतिभाएं संतुलित रूप में होती हैं। तो आंसर क्या है इसका अकॉर्डिंग हमारा, थर्ड, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। सेकंड है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। थर्ड है बच्चों की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। फोर्थ है अवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो क्वेश्चन बोल रहा है जा रहा है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। जैसे कि अभी बात करते हैं कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में शिक्षक को सीखने के लिए मूल्यांकन और मूल्यांकन के दोनों का उपयोग कर सकता है। तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा, आंसर सेकंड टिक कर देंगे आप ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंध नहीं है। क्वेश्चन में सतत और व्यापक मूल्यांकन संबंध से बारे पूछा जा रहा है। जैसे कि अभी बात करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है यह बच्चों को धीमे खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। सेकंड है इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। थर्ड है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। फोर्थ है यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। तो जैसे कि बात कर दिया है कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का या मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, तो नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे बात करेंगे अभी कि भारत में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा अनिवार्य शिक्षा किया गया है, जो कि आंसर करेक्ट हो गया इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड, क्योंकि जो नहीं है वो यही है, मूल्यांकन अंतर्गत नहीं आता है। इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, यही नहीं आता, नेगेटिव आंसर हमारा यही है, आंसर करेक्ट हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अनुशासित दिनचर्या। सेकंड है अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। थर्ड है एक संसाधन समृद्ध वातावरण। फोर्थ है सफल माता पिता। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बच्चों में प्रतिभाशालिता किसके कारण हो सकती है। जैसे कि अभी बात करते हैं बच्चों में प्रतिभाशालिता अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है, तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। सेकंड है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। थर्ड है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। फोर्थ है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। तो जैसे क्वेश्चन बोला है कि आर्थिक या सामाजिक आर्थिक रूप में वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है किस प्रकार से। तो जैसे कि अभी बात करते हैं कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले या आने से वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता, जो कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता हो और उनका उपयोग करता है, तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। सेकंड है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन शिक्षकों के उपयोग पर। थर्ड है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। फोर्थ है उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो क्वेश्चन बोला है कि कक्षा में सृजनात्मक प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करता है। जैसे कि हम बात करते हैं कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप है शिक्षा द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है। कक्षा का सकारात्मक प्रोत्साहित करने वाला वातावरण बच्चों की अधिगम या सीखने क्षमता को बढ़ाता है, जिसमें नवीन संकल्पनाओं को अधिगम करने का अवसर प्राप्त करते हैं। तो आंसर क्या करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है, पूछा गया है। जैसे कि बात करती हैं फर्स्ट ऑप्शन है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें पटकार लगाना। सेकंड है एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। थर्ड है अधिगम के वैकल्पिक तरीके की पेशकश। फोर्थ है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। तो क्वेश्चन बोला है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। नहीं में क्वेश्चन पूछा है तो नेगेटिव आंसर देना में इसके अकॉर्डिंग। जैसे बात करेंगे यहाँ पे कि अति संवेदनशील जो बच्चे सीखने में मदद करने के लिए शिक्षक द्वारा बेचैन होने पर उन्हें अक्सर पटकार लगाना उन्हें अतोत्साहित कर सकता है, तो इस प्रकार का कार्य में नहीं करना हुआ। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट, बेचैन होने पर उन्हें अक्सर उन्हें पटकार लगाना फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे अलग अलग सोच वाले पैटर्न पर बच्चों की पहचान करते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रथास्थाई, सेकंड है विकलांग, थर्ड है लैक्सिक, थर्ड है सृजनात्मक। तो जैसे क्वेश्चन बोला कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न पर उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, ये बात करें यहाँ पे अलग अलग सोच रखने वाले या पैटर्न वाले उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक होते हैं या प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास के सह संबंधों की परिणीत के रूप में व्यवहार किया जाता है। आंसर या करेक्ट हो इसका अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ, थोड़ा मिस्टेक हो गया आप, हो गया कोई नहीं, आंसर हमारा फोर्थ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से यार कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अभिसरण, उत्तर वाले प्रश्न पूछना, सेकंड है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना, थर्ड है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, फोर्थ है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन बोला गया कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या समाधान या हल करने के लिए तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। क्वेश्चन में नहीं में पूछा गया तो आंसर भी हमें नेगेटिव में ही देना है, उसमें नहीं में पूछा गया उसने क्वेश्चन को, तो आंसर भी उसी अकॉर्डिंग देंगे। जैसे बोला कि यदि कोई शिक्षक अपने छात्रों की किसी समस्या का हल नहीं करना चाहता है तो इस तरह उसे समस्या का विशेष को हल करने के लिए बारे में अपने विचार प्रक्रिया का विचार विमर्श करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आंसर का करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा अभिसरण, उत्तरों वाले प्रश्नों पर पूछना, टिक कर देंगे यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, संवेग पूछा गया है फर्स्ट ऑप्शन उत्तेजना, सेकंड है स्मृति, थर्ड है डर, फोर्थ है ध्यान। तो संवेग पूछा गया है, बात करेंगे यहाँ पे डर मानवीय भावना का एक मुख्य स्वरूप है जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा या सुरक्षा में धमकी देने वाली किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया है। तो आंसर का करेक्ट हो जाएगा हमारा संवेग है हमारा डर, थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लाइक करते हैं हाथ हाथ में। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है,
निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण का प्रदान करता है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे का परिवेश या परिवार, सॉरी बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। सेकंड है बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। थर्ड है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। फोर्थ है बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बच्चा 3 वर्ष का बच्चा है, वह बोलता है कि दूध है तो दूध बूथ पर मिल रहा है और दूध मशीन से दूध का उत्पादन होता है, तो बच्चे का जो स्पष्टीकरण है वो किस प्रकार का है या बच्चे की जो समझ है वो किस प्रकार की है। जैसे कि अभी बात करेंगे कि 1-3 वर्ष का जो बच्चा है वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग बता रहा है कि बच्चे का जो जवाब है दूध बूथ से दूध खरीदने से अनुभव प्राप्त आधारित है, क्योंकि उस बच्चे ने जो दूध जब खरीदा है तो दूध खरीदने के द्वारा जो अनुभव आधारित है उसके अकॉर्डिंग वो आंसर दे रहा है। तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड हो जाएगा, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तो आंसर थर्ड है हमारे यहाँ पे। सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।